एक बार एक बहुत ही रिनाउंड जापान की कॉस्मेटिक्स की कंपनी थी, उस कंपनी को एक कस्टमर से कंप्लेंट मिली कि उसने उस कंपनी के काफी सारे सोप खरीदे थे, लेकिन एक सोप के बॉक्स के अंदर सोप नहीं निकला, यानी वो डब्बा खाली था। उस कंपनी का मैनेजर नहीं चाहता था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा से किसी और कस्टमर को आए, इसीलिए उसने इस कंप्लेंट को काफी सीरियसली लिया और ये पता करने की कोशिश की कि प्रॉब्लम कहां से आ रही। उसने सोप बनाने वाली सब मशीन्स को अच्छे से चेक करवाया और उसे पता चल गया कि डिलीवरी डिपार्टमेंट में कई बार 10,000 में से एक केस ऐसा आ जाता है जब सोप के बॉक्स में सोप ही नहीं निकलता। उस मैनेजर ने अपनी कंपनी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कहा कि उसे इस प्रॉब्लम का सलूशन एक महीने के अंदर चाहिए। बस अपने मैनेजर का ऑर्डर सुनते ही पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गया और उन्होंने एक्स-रे मशीन का यूज करके एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसे कन्वेयर बेल्ट के साथ रखा जा सकता था। अब जब भी कोई सोप बॉक्स उस कन्वेयर बेल्ट से पास हो रहा होगा तो उस एक्स-रे मशीन में लगे मॉनिटर में उस कंपनी का एम्प्लॉय देख सकता है कि किस बॉक्स में सोप है और किस बॉक्स में सोप नहीं है। जब भी ऐसा कोई बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स में सोप नहीं है, वो उस कन्वेयर बेल्ट को रोक के उस एम्प्टी सोप के पैकेट को आगे जाने नहीं देगा और उसे कन्वेयर बेल्ट से उतार देगा। ऑब्वियसली 2 महीने में एक ऐसा डिवाइस बनाना खुद में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन इसमें बहुत पैसे खर्च हुए और साथ में एक एम्प्लॉय को हमेशा कन्वेयर बेल्ट के सामने एक्स-रे मशीन को देखते रहना पड़ा। एक्स-रे मशीन को देखना भी था और जब भी उस कन्वेयर बेल्ट को रोका जाएगा तो उस कंपनी की सोप प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि कुछ महीनों के बाद उस कंपनी को पता चला कि सेम प्रॉब्लम एक सिमिलर छोटी कंपनी को भी आ रही थी और दूसरी कंपनी ने इसके लिए कोई एक्स-रे मशीन यूज नहीं की बल्कि बहुत ही सिंपल सोल्यूशन यूज किया जिसमें किसी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की जरूरत भी नहीं थी। सोल्यूशन ये था कि उस कन्वेयर बेल्ट के सामने एक तेज स्पीड का फैन लगाया जाएगा जिसकी स्पीड इतनी होगी कि खाली बॉक्स को वो कन्वेयर बेल्ट से हटा देगी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं होगी कि भरे हुए पैकेट को कन्वेयर बेल्ट से हटा दे। और ऑब्वियसली ये एक एग्जांपल है जो डिफरेंशिएट करता है हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से। तो ऑब्वियसली अब सवाल ये आता है कि हम कैसे ट्रैक करें कि हम सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं या फिर हार्ड वर्क को स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं। तो हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चेक्स हैं जिसमें सबसे पहला चेक कहता है स्पेंड टाइम इन एक्वायरिंग रेयर बट वैल्यूएबल स्किल्स, यानी ऐसी स्किल्स एक्वायर करो जो सबके पास ना हो बट एट द सेम टाइम वो वैल्यूएबल भी हो। हम इसे मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि हम किसी ऐसी स्किल में बहुत टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी मार्केट में उतनी वैल्यू है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये किचन स्किल लेते हैं तो ऑब्वियसली ये एक रेयर स्किल तो है जो सबके पास नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर हम कुकिंग के प्रोफेशन में नहीं है और हमने कॉन्शियसली स्किल को सीखने के लिए टाइम निकाला है तो ये हमारे लिए ना किसी और के लिए वैल्यू क्रिएट करता है और इससे हम स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम बिलियनेयर मार्क क्यूबन की बात करें तो 1995 में जब इंटरनेट का बूम था और सब पागलों की तरह इंटरनेट कंपनीज खोल रहे थे, तब मार्क क्यूबन ने भी इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। उन्हें पता चल गया था कि प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही थी कि अगर किसी ने पहले से प्रोग्रामिंग भी सीखी थी तो उसे ज्यादा एडवांटेज नहीं था और कोई भी इन स्किल्स को जल्दी से एक्वायर कर सकता था जो कि रेयर के साथ साथ वैल्यूएबल भी थी। उस वक्त मार्क क्यूबन ने अपने दोस्त टॉड वैगनर के साथ मिलकर ऑडियोनेट नाम की एक कंपनी खोली जो कि एक पहली इंटरनेट ब्रॉडकास्ट कंपनी थी, यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में लाइव रेडियो शोज सुन सकते थे, इवन कॉन्सर्ट भी देख सकते थे। ऑब्वियसली ये सब अब बहुत कॉमन हो चुका है, बट एनीवेज इस कंपनी को बाद में broadcast.com नाम दिया गया और जब ये कंपनी फेमस हो गई तो मार्क क्यूबन ने yahoo.com के सीईओ के साथ मीटिंग रखी और उन्हें कहा कि या तो तुम मेरी कंपनी खरीद लो या फिर मैं तुम्हारे बिजनेस के साथ कम्पीट करूंगा। और फाइनली याहू ने broadcast.com को $5.7 बिलियन में खरीद लिया। ये $5.7 बिलियन कैश नहीं था जबकि याहू के स्टॉक्स दिए गए थे। मार्क क्यूबन को पता था कि internet.com का बबल बर्स्ट होने वाला है जिसकी वजह से याहू के स्टॉक प्राइस की वैल्यू भी कम हो जाएगी, इसलिए उनके पास याहू के जितने भी शेयर्स थे उन शेयर्स को उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया और फाइनली उससे 24,000 स्क्वायर फीट का मैंशन भी खरीदा और $41 मिलियन का जेट भी। इन शॉर्ट ही प्लेड अ स्मार्ट मूव और अपने शेयर्स बेच के निकल गए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फोकस ऑन आउटपुट एंड नॉट ऑन एक्टिविटी। हम में से ज्यादातर लोग जब काम करते हैं तो वो किसी यूजलेस एक्टिविटी को भी काम ही कंसिडर करते हैं, जबकि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक सिंपल एक्टिविटी और एक आउटपुट में क्या डिफरेंस है। एक बार एक बहुत बड़ा शिप का इंजन बंद हो गया था। उसे ठीक करने के लिए शिप के ओनर्स ने बहुत से एक्सपर्ट्स को बुलाया
उन्होंने बहुत चार्जेस भी लिए, बहुत टाइम स्पेंड भी किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें प्रॉब्लम का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर किसी ने उस शिप के ओनर्स को बताया कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो बचपन से शिप्स को रिपेयर कर रहा है, वो इस शिप को रिपेयर कर सकता है। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर शिप ठीक करने के लिए बुलाया गया। उस बूढ़े आदमी ने उस शिप के इंजन की 15 से 20 मिनट तक जांच पड़ताल की और उसके बाद वो अपना बैग लेके आया और उससे एक हैमर निकाला और इंजन के एक पर्टिकुलर पार्ट में उसे 5 से 7 बार टैप किया और फिर ओनर्स को इंजन स्टार्ट करने के लिए कहा और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो इंजन चल पड़ा। जब उस बूढ़े आदमी से उसके चार्जेस पूछे गए तो उसने कहा मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। इस पर उस शिप के ओनर्स हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि इस इंजन को टैप करने के लिए 1,00,000 रुपए, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस पर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इंजन को टैप करने के तो 200 रुपए ही है, लेकिन 99,800 रुपीज ये पता करने के हैं कि टैप करना कहाँ पे है। तुम लोग एक्टिविटी को आउटपुट से कंपेयर कर रहे हो। तुमने इतने पैसे उन इंजीनियर्स को भी पे कर दिए जो यहाँ पर 3 दिनों तक रहे, लेकिन फिर भी उनसे इंजन ठीक नहीं हुआ। तो अगेन द पॉइंट इज कि स्मार्ट पीपल आउटपुट पर फोकस करते हैं और डम्ब लोग एक्टिविटी पर फोकस करते हैं और उसे हार्डवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्मार्ट पीपल हैंग आउट विद बेस्ट पॉसिबल पीपल। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत चांसेस हैं कि आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। इलॉन मस्क बोलते हैं कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब भी वो जानते थे कि उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत होंगे अगर वो US में रहते हैं एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, और इसीलिए वो साउथ अफ्रीका से US भी चले गए थे। और आपको क्या लगता है कि जब वॉरेन बफेट को पता चला था कि बेंजामिन ग्राहम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो उन्होंने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों ले ली थी? ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि वो जानते थे कि ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग आपको भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस कब ज्यादा होंगे, जब आप ड्रग एडिक्ट्स के साथ रहेंगे या फिर IIT या MIT के टॉपर्स के साथ रहेंगे, जब आप किसी लोकल बिजनेसमैन के साथ रहेंगे या फिर बैंगलोर में किसी बड़े बिजनेसेस के साथ। आपको ज्यादा नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, आपके किसी रिश्तेदार से या फिर उन फील्ड्स के एक्सपर्ट से? आई होप ऑब्वियसली आपको इनके आंसर्स पता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एक गांव से बड़ा बिजनेस नहीं खोला जा सकता या फिर नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ रहकर भी हम अच्छे एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है बट ये एक्सेप्शंस हैं। लेकिन अगर आप सैंपल साइज बढ़ा दो और 1,000-2,000 लोगों की बात करो तो ऑब्वियसली ज्यादा सक्सेस स्टोरीज आपको कहां पर सुनने को मिलेगी, जहां पर एनवायरनमेंट अच्छा होगा। I remember thinking and saying that America is where great things are possible more than any other country in the world. तो दोस्तों इस वीडियो में हमने स्मार्ट वर्क के बारे में कॉन्सेप्ट्स देखे, जिसमें सबसे पहले हमने जापानीज केस स्टडी देखी थी कि एक कंपनी ने सोप के एम्प्टी बॉक्स को ट्रैक करने के लिए एक्सरे मशीन्स के साथ मॉनिटर कनेक्ट किया, जबकि दूसरी कंपनी ने उसी प्रॉब्लम को एक पंखे को यूज करके सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमने 3 मेथड्स देखे थे जिससे हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि एक्वायर रेयर एंड वैल्यूएबल स्किल। अब मैं से मानता हूँ कि हमारे देश में बहुत से लोग मेहनती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ इश्यू यही है कि हम अपनी मैक्सिमम मेहनत गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हमें वो स्किल्स अचीव करनी है जो रेयर हो लेकिन जिनकी मार्केट में वैल्यू भी हो। आंखें बंद करके यूजलेस मेहनत करके भी कोई फायदा नहीं है। इसमें हमने बिलियनेयर मार्क क्यूबन का एग्जांपल भी देखा था। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि आउटपुट पर हमें फोकस करना चाहिए, ना कि एक्टिविटी पर, जिसमें हमने शिप की एक फिक्शनल स्टोरी देखी थी कि कैसे एक शिप ओनर इंजीनियर्स को पैसे देने के लिए रेडी था जो उसकी शिप ठीक करने के लिए 3 दिन तक उसी के शिप में रहे, लेकिन फिर भी शिप ठीक नहीं कर पाए। बट एक बूढ़े आदमी ने 15 मिनट में वो शिप ठीक कर दी तो उसे पैसे देना उन्हें लॉजिकल नहीं लगा। द ओनली रीजन फॉर दिस इज कि वो शिप ओनर एक्टिविटी को आउटपुट से कंफ्यूज कर रहा था। आई होप हम खुद के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमें फोकस करना है कि जब भी हम काम कर रहे हैं तो उससे आउटपुट भी निकले। फाइनली थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि हमारे जीतने के चांसेस तब ज्यादा है जब हम खुद को उस एनवायरमेंट में उन लोगों के साथ रखते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। और ऑब्वियसली हम ये भी जानते हैं कि शुरू में कोई भी सक्सेसफुल इंसान हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहेगा, और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए सबसे सस्ता सक्सेसफुल लोगों के थॉट्स जानने का यही तरीका है कि हम उनकी बुक्स पढ़ें और नई चीजें लर्न करें। इसलिए हमने इसी सोल पर्पस के लिए गीगल ऐप बनाई थी, जहां पर आप सक्सेसफुल लोगों की 140 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस ऐप के लास्ट रो में जाओ, वहां पर 21 डेज चैलेंज है जिसमें 21 फ्री बुक समरीज हैं। हर रोज सिर्फ एक समरी सुनो और बिलीव मी आपको इस थर्ड पॉइंट का सिग्निफिकेंस समझ आ जाएगा।
तो अगर आप भी स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं और अपने जीतने के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।